बलरामपुर जिले के रामानुजगंज केरवासिला में नहर निर्माण के कार्य में गुणवत्ता की जमकर अनदेखी की जा रही है। एक तरफ नहर बन रहा है और दूसरी तरफ वह स्तरहीन मटेरियल से निर्माण होने के कारण नहर में दरारें अभी से आ रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से नहर निर्माण के कार्य में सिर्फ औपचारिकता भर निभाई जा रही है। नहर निर्माण में स्तरहीन मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही बिना वाइब्रेटर चलाए निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से नहर में दर्जनों से ज़्यादा दरारें आ गई हैं। घटिया निर्माण कार्य में वीडियो के माध्यम से साफ साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से शासन के पैसे की खानापूर्ति का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान मानक बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। चल रहे हैं नहर निर्माण कार्य में गांव वालों ने ठेकेदार पर मनमानी ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करने नहीं आते, जिसकी वजह से ठेकेदार मनमानी और गुणवत्ताहीन कार्य कर रहा है। जब मीडिया ने संबंधित विभाग के अधिकारी से बात की तो वह भी टाल मटोल करते हुए ग्रामीणों पर ही तंज कसते हुए जवाब देते हैं कि हो सकता है हमारे सब इंजीनियर घर घर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते होंगे। जो सामने देख रहा है जहाँ तहाँ फट फूट के जहाँ तहाँ मतलब खराबे हो गया है काम, यहाँ तो कुछ काम चल ही रहा है बढ़िया, और उधर साइड लम्बा होने जाने के बाद यहाँ तो कुछ थोप थाप के रखा गया, उधर थपो थपो नहीं किया है, पानी पट रहा है इसी पानी नीचे से घुस जा रहा है। तो ऐसे काम ना हो, थोड़ा सा जो भी काम हो बढ़िया हो, काम कराए कैसे कोई भी ले रहा है बढ़िया, तो उस चीज़ पे काम को गाँव का ही काम है, ये थोड़ा ढंग से हो मौके पे करेंगे आगे। नहीं, काम बढ़िया होना चाहिए ना, अगर इससे ही काम चलेगा तो संतुष्ट कैसे होगा। मान लीजिए इसको खेती बाड़ी में किसान हम ही लोग है तो हम ही लोग पानी पत्र पटाना पड़ता है ना, अगर जहाँ वही करना था तो फिर इसको करना ही नहीं चाहिए था। जो नहर का निर्माण हो रहा है तो बहुत घटिया काम हो रहा है, कहीं तो जगह जगह पर दरार फट जा रहा है और कहीं कहीं धस भी गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जे शासन तरफ से बढ़िया अच्छा तरह से बनाया जाए इसको, नहीं तो बंद किया जाए। काम तो खराब ही चल रहा है, पूरा पब्लिक ही मतलब मैंने कह रहा है, अब जो कृष्णा सरकार जो मैंने बयान जो दिया है, जो बताया सही बताया, क्या किस्म के चलिए रहा है, जो भी काम हुआ सब मना भी से फट के एकदम चौपट हो जा रहा है, मतलब एक साल भी नहीं रहेंगे वो काम पूरा बर्बादी है। हाँ, बहुत दिन के पेंडिंग में पड़ा हुआ था, फिर चालू हुआ, चालू होने के बाद यही काम हो रहा है। इस संबंध में तो गांव वालों के घर घर जाके तो हो सकता है कि उन्होंने अटेंडेंस ना दी हो, लेकिन हमारा सब इंजीनियर हर डेली जाता है और दो या तीन दिन में एसडीओ भी जाता है जो हमारे पास रिपोर्ट है, और हफ्ते में मैं भी जैसी भी कोई शिकायत आती है तो मैं भी जाता हूँ। तो ये तो निराधार है कि स्टाफ नहीं आता है। अब ये अलग बात है कि वो जाके अपने काम से मतलब रखता है, वो काम कराया और अपना आ गया, गांव वालों से ना मिलता होगा, पर हम ये भी बोलेंगे स्टाफ से कि थोड़ा सा गांव वालों को भी विश्वास में लेके काम में जहां काम करते हो उनको भी ले जाके थोड़ा दिखाया करो, आगे ये भी व्यवस्था करेंगे।